जय नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मगध यूनिवर्सिटी का जो है एग्जाम डेट आ ही चुका है पार्ट वन का, और इसका जो एग्जामिनेशन है वो मार्च से स्टार्ट होने वाला है। मैंने वीडियो भी बना दिया था, शेड्यूल भी पूरा जो है पूरा समझा दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिट कार्ड को लेकर के। जैसे ही मैंने वो वीडियो डाला तो एडमिट कार्ड को लेकर के सब लोग एकदम हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिए। तो हम सोचे कि एडमिट कार्ड के बारे में आपको बता देते कि कब आएगा, ठीक है। तो पूरा हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक बार हम फिर से दिखा देते हैं आपको, ये आपका है एग्जाम शेड्यूल जो आपको आया है पार्ट वन के लिए। और देखिए 12 मार्च से जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम, और 12 मार्च से और लास्ट आपका चलेगा कब तक, तो ये 23 तक चलेगा, ठीक है, 23 मार्च तक चलेगा। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो प्रैक्टिकल है ना वो आप लोगों का पहले ही होगा, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है। यानी 12 मार्च से एग्जाम है तो 11 तक, यानी कि 7 से लेकर के 11 मार्च 5 दिन तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा, जो कि आपको अपना कॉलेज से संपर्क करके रखना है, क्योंकि सब कॉलेज का अलग अलग डेट होता है, अपना अपना रोल नंबर सीट के अनुसार से लेता है। तो ये आपका है, ठीक है, ये आपका मामला है, आप जाकर के कॉलेज में पता करेंगे और अपना प्रैक्टिकल देंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम जो स्टार्ट है आपका वो 12 फरवरी से चलेगा 23 फरवरी तक, ठीक है। और इसको मैंने पूरा समझाया है वीडियो बना करके, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एडमिट कार्ड को लेकर के कि आखिर एडमिट कार्ड इसका आएगा कब, अगर ऑनलाइन आएगा या तो फिर ऑफलाइन आएगा, तो देखिए अगर हम आपको बताएं तो इसका जो है एडमिट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एडमिट कार्ड आता है ऑनलाइन, ठीक है, और ऑफलाइन दोनों आता है। जैसे कि 12 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट है ना, तो लगभग जो है ये 12 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट है तो लगभग जो है आपका 4 दिन पहले, यानी कि 4 दिन या तो फिर 3 दिन पहले, यानी कि 8 या तो फिर 9 मार्च को जो है ना आपका ये एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन आ जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं खुद से भी, जब आएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। और देखिए 8 या 9 मार्च को आएगा, ये तो कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। और आपको जो है कॉलेज से भी मिलता है, ठीक है, कॉलेज से भी जो है आपको मिलता है, आप जा करके कॉलेज से भी ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें तो अभी समय है आप लोग के पास में, और गाइड वगैरह की बात करें तो आप लोग A1 का ले लीजिएगा, ठीक है। A1 का आता है एक गाइड, ठीक है, उसी से आप लोगों को लिखना है एग्जामिनेशन में, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और A1 से भी बढ़िया मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा जिससे आप जाएंगे आराम से एग्जाम में, जो पूरा छाप करके आएंगे, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे आपको, जब एग्जाम स्टार्ट होगा उसके एक दिन पहले हम टेलीग्राम पे अपडेट देंगे, क्योंकि ये चीज बताने का नहीं है, सिक्योरिटी के हिसाब से मेरे को जैसा लगता है अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा और जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए वरदान साबित होगा, ठीक है, जाइएगा एग्जाम में एकदम पूरा लिख करके आइएगा, ठीक है। चलिए, तो एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 12 मार्च से आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो आपका जो है 8 से लेकर के या तो फिर 9 तारीख को जो है आपका एडमिट कार्ड लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आ जाएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, अगर कुछ गलती वगैरह रहा तो ये भी आप सुधरवा सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ बताएंगे जब उस समय आ जाएगा एडमिट कार्ड तो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, कि 3-4-2 मिनट का वीडियो था, तो आप लोग शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो, ठीक है, और कॉमेंट में थोड़ा एक अच्छा सा कॉमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी लगे कि नहीं मेरा मेहनत जो है सफल हो रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो आज का जो वीडियो यहीं तक था, एक छोटा सा वीडियो, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।